टाइम आ गया है। तो मैंने आज सुबह उठ के चेक किया, ये आज सुबह नहीं है, मैं रोज़ ही उठ के चेक करता था कि कब आएगा, लेकिन आज फाइनली आ गया है। ठीक है, वो आते ही मैंने एक पोस्ट भी कर दिया कम्युनिटी चैट में, आप लोग देखे ही होंगे शायद। तो इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। ठीक है, आप सभी की वजह से ये हो पाया। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में लाइट मैप से कुछ इस टाइप की एडिटिंग करने वाले। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आप लोग ग्रीन कलर को कैसे इस तरह से ह्यू को चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को ऐड कर लेना है। ऐड करते ही इधर दाएं तरफ आपको कलर वाला सेक्शन दिख जाएगा, इस पे चले जाना है। ठीक है, जाने के बाद कलर का मिक्स टूल पे चले जाना है। तो इधर पहला वाला कलर है रेड। ठीक है, तो मेरा फोटो में ज़्यादा रेड कलर नहीं है, इसका लिप्स में थोड़ा बहुत रेड कलर इधर दे देते हैं। ठीक है, तो इसको लिए करना क्या है, सिचुएशन को फुल कर लेना है और ह्यू को फिक्स करना है इधर 48 तक। ठीक है, और लुमिनेंस को बढ़ा लेना है 20 तक। ठीक है, तो देख सकते हो लिप्स पे हमारा पहले था इस तरह, और उसके बाद इस तरह से थोड़ा बहुत कलर इधर आ चुका है। ठीक है, तो उसके बाद करना क्या है, नेक्स्ट वाला कलर पे जाना है और सिचुएशन को इधर से डिक्रीज करना है 21 तक, और लुमिनेंस को बढ़ाना है 22 तक। ठीक है, फिर इतना तक होने के बाद येलो कलर पर जाके सिचुएशन को फुल और व्यू को भी एकदम फुल कर देना है, और लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है इधर से। फिर आएगा ग्रीन कलर, इसको भी सेम प्रोसेस कर लेना है, सिचुएशन और व्यू को फुल कर लेना, लुमिनेंस को 15 के आसपास बढ़ा लेना। फिर है सियाम कलर। ठीक है, इसका सिचुएशन को फुल करके ह्यू को डिक्रीज करना है। ठीक है, तो डिक्रीज करके इधर 26 कर लेते हैं। और फिर आएगा हमारा ब्लू कलर, इसका सिचुएशन को फुल करके इसको भी ह्यू को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, और लुमिनेंस को थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुका है मिक्स टूल पे ही फोटो के अंदर। तो फोटो का भी क्वालिटी देना है, तो उसके लिए डाउन पर क्लिक करके इधर आप लोगों को दिखेगा टेम्प। ठीक है, तो इधर टेम्प को आपको थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है। ठीक है, तो इसको डिक्रीज करके मैं इधर 15 कर लेता हूँ, और वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करना है 30 तक। ओके, फिर सिचुएशन को डिक्रीज़ करना है 10-10। ठीक है, फिर चले जाएंगे इधर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, जाने के बाद टेक्सचर को इधर से डिक्रीज़ कर देंगे 16 के आसपास, और क्लियरिटी को इंक्रीज़ करेंगे 31 तक। ठीक है, तो फोटो में काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी और क्वालिटी आ जाएगा इससे। फिर विग्नेट को डिक्रीज़ करेंगे इधर 31 के आसपास, और मिड पॉइंट को भी डिक्रीज़ करेंगे 40 के आसपास, तो थोड़ा बहुत शैडो इफेक्ट इधर लग जाएगा। फिर आएगा नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन, इस पे जाके शार्पनिंग को बढ़ाना है 35 तक। उसके बाद है जो रेडियस। ठीक है, रेडियस को हम लोगों को बढ़ा लेना है 22.40 तक। फिर इधर से नॉइस रिडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, और कलर नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, और स्मूथनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। फिर आएगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, इस पे जाके दोनों ऑप्शन को इनेबल कर देना है। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये था पहले का हमारा फोटो। ठीक है, इस तरह सा था, और एडिटिंग के बाद कुछ इस तरह सा इधर हो चुका है। ठीक है, तो इसको सेव करने के लिए आपको ये वाला आइकन से सेव कर लेना है।